वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप देख रहे हैं सच्चाई मार्क ऑफ द बीस्ट 666 के बारे में। आज जो है मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के अंदर जो है मैं 666 के बारे में, हैवान की छाप के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आपको इलम हो रहा है कि ये हैवान की छाप, द मार्क ऑफ द बीस्ट या नंबर ऑफ़ द बीस्ट या हैवान का नंबर जो है उसके बारे में बात की जाती है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि 666 को शैतान का नंबर कहा जाता है या इसके बारे में हम आज सबसे पहले बाइबल मुकद्दस के अंदर से कुछ पढ़ेंगे, जिससे हमें इलम होगा कि 666 के बारे में बाइबल क्या फरमाती है और उसके अंदर हमें क्या इलम मिलता है। बाइबल मुकद्दस में से रेवोलेशन चैप्टर नंबर 13 उसकी 16 से 18 वर्स तक हम पढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाप उसकी 16 से लेकर 18 आयत। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और ग़ुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई ख़रीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है, उसका अदद 666 है। सो सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे, हमने बाइबल मुकद्दस में से 666 के बारे में, हैवान के बारे में जो है वो पढ़ा है। हमें वहाँ पर मिला कि भाई उसने इसके बारे में हमें मिलता है कि वो शख्स जो है एंटा क्राइस्ट यानी मुखालफ मसीह ने जो है सब के हाथों पर छाप करा दी। बीस्ट ने, हैवान ने और मुखालफ मसीह ने जो है वो सब के हाथों पर, छोटे बड़े, गरीब दौलतमंद, सब के हाथों पर छाप करा दी है। और वो छाप जो है उसके बगैर कोई शख्स खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, कोई शख्स लेन देन नहीं कर सकता, कहीं से आप कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकते। ये इसी तरह है कि अगर आपके पास एक कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड या राशन कार्ड, इसी तरह की एक चीज़ है, लेकिन ये चीज़ जो है इसके बगैर आप जो हैं वो ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। इससे हमें मालूम होता है कि बाइबल मुकद्दस की यहाँ पर बात जो साबित होती है, इससे मालूम होता है कि वो एक ही शख्स होगा जो पूरी दुनिया के अंदर छाप कराएगा, यानी पूरी दुनिया के अंदर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो चुका होगा, क्योंकि तभी एक ही लीडर होगा जिसके कहने से सभी लोगों पर वो छाप लगा दी जाएगी। सो आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस छाप की, उस मार्क की, मार्क ऑफ द बीस्ट की तैयारी के लिए जो है वो बहुत कुछ हो रहा है। उसके लिए मैं एक किताब की मदद लूँगा, बीस्ट टेक, वो जो है इस किताब को लिखने वाले उन मुसन्निफ़ का नाम है टेरी एल कुक एंड थॉमस आर होन। ये किताब जो है इसके अंदर से मैं आप मदद हासिल करूंगा, ताकि आपको मैं बता सकूं कि मार्क ऑफ द बीस्ट 666 की तैयारियां किस तरह की जा रही है, किस तरह इसकी इम्प्लांटेशन के लिए, इसे छापने के लिए, इसे लगाने के लिए जो है वो तैयारियां की जा रही हैं, और अमेरिका के अंदर और आलमी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी तैयारियाँ की जा चुकी हैं और बहुत कुछ हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ चुकी है, जिससे आपको इलम होगा कि बाइबल का कहना वाकई सच है। बहुत सारे लोग जो थे वो शशोपंज में थे, आखिर ऐसा कैसे होगा, कैसे जो है वो एक हवान की छाप जो है वो लगाई जाएगी और ये कैसे होगा। लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए जब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तब हमें वाकई इलम हो रहा है कि वाकई ये बहुत आसान काम है। सो इस वीडियो को देखते रहें, इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे तैयारियाँ की जा चुकी हैं और टेक्नोलॉजी ने कैसे ये मार्क ऑफ द बीस्ट 666 की चीज़ों को जो है वो पूरा कर दिया है। मार्क ऑफ़ द बीस्ट के बारे में बयान किया जाता है, बाज़ लोग कहते हैं कि RFID जो है वो मार्क ऑफ़ द बीस्ट है, लेकिन RFID जो है वो मार्क ऑफ़ द बीस्ट नहीं, बल्कि ये तैयारी है मार्क ऑफ़ द बीस्ट के लिए। मार्क ऑफ़ द बीस्ट के लिए राह तैयार किया जा रहा है, रास्ता साफ़ किया जा रहा है। RFID आप में से बहुत सारे लोग इसके मुतालिक जानते होंगे, द रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर और बहुत सारे दूसरे ममालिक के अंदर जो है ये आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप इससे आसान तरीके से समझे कि किस तरह मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है, तो आप बायोमेट्रिक तरीके को जानते होंगे। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मसला है, और बाज़ लोग ये इस बात का दावा करते हैं, कुछ पार्टियां कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बायोमेट्रिक तरीके के साथ इलेक्शन होने चाहिए, ताकि ईमानदारी के साथ सब कुछ हो सके। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी
जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए काम कर रही है। हमें ये अच्छी लगती हैं कि शायद ये अच्छा काम करेंगी, अच्छा ही होगा अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है शैतान इसको इस्तेमाल कर रहा है और बहुत ही भयानक तरीके से आपकी सोच से ज़्यादा जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है। RFID के मुतल्लिक इस किताब के ऊपर जिसका मैंने जिक्र किया, द बीस्ट टेक यानी बीस्ट टेक्नोलॉजी, हैवान की टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हैवान करना चाहता है, हैवान यानी मुखालफ मसीह, उसके बारे में मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। बायोचिप RFID टेक्नोलॉजी, द वेरी आइडिया ऑफ इम्प्लांटिंग इवन आवर पेट्स विद आइडेंटिफाइंग माइक्रोचिप ट्रांसपोंडर्स वॉज कंसेप्टेड फॉर ईयर्स वॉज अप्रोच्ड वेरी स्लोली। वी वॉन्टेड टू मेक श्योर इट्स राइट फॉर द एनिमल्स एंड द कम्युनिटी इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट दिस न्यू टेक्नोलॉजी, सेड डियाने एल्वेटो, डायरेक्टर ऑफ द नेवेटो कैलिफोर्निया एनिमल शेल्टर। नाउ हाउएवर सच हाई टेक टैगिंग इज़ ऑन फास्ट फॉरवर्ड सिंस पीपल हैव ग्रोन accustomed by successful conditioning to what once are considered offensive technology. For example, if people are now willing to have such devices injected into their pets, why would they not put them into their own bodies, or to soften the blow just a little into the elderly or children to prevent wandering from home or kidnapping prisons inmates and runaway teens, because all the would be for the good of society as a whole. Once you have edged your way into accepting these logical implant choices, it is no great leap to accept the fact that a non-removable implant would be terribly much safer for us than carrying around cards for all our needs, economics, health, passports, travel, etc. Cards that could be lost or stolen. Biochip the size of a grain of rice. For pets, the implanted chip is size of a single grain of rice. It stores a number that identifies the pet's individual information, including the name of the pet, as well as the name, address, and the phone number of the pet owner, which can be accessed by computer via scan over the outside of the skin. The Nevada, California Animal Shelter, mentioned earlier, was the first shelter in the country to use the biochips. इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर चार कंपनीज़ हैं जो बायोचिप्स RFID चिप्स जो हैं वो बना रहे हैं, ट्रांसपोंडर चिप्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं। उनके नाम ये हैं, अमेरिकन वेटरनरी आईडी AVID ऑफ नॉर्को कैलिफोर्निया, इन्फोपेट कॉरपोरेशन ऑफ मिनीसोटा, हगिश एयरक्राफ्ट इन साउथर्न कैलिफोर्निया एंड टेक्सास, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एटलबोरो, ओरिजिनली डिस्ट्रॉन DI Corporation of Boulder, Colorado began the concept, but it now serves primarily as a research development company for both Hagish and Texas Instruments. यानी अमेरिका के अंदर कुछ कंपनीज़ हैं जो इन चिप्स को बनाती है। इन चिप्स के साथ साथ बायोचिप्स जो हैं इनके अलावा जो है स्टेज जो सेट किया जा रहा है उसमें बार कोड्स, GPS शामिल है। बार कोड्स जो हैं ये बहुत ही आसान है इनको समझना। आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसके पीछे आपको बार कोड्स जो हैं वो मिलते हैं। कुछ लाइनें होती हैं ब्लैक कलर की और वाइट कलर की लाइनें होती हैं, और इनको नंबरिंग सिस्टम के अंदर मैथ के लोग जो हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को जो समझते हैं और वो इस बात को जानते होंगे कि इनको जब स्कैनर के ऊपर गुजारा जाता है तो इसकी कीमत और प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो सकती है। इसी तरह बार कोड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद जो GPS है यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है इसको भी तैयार किया जा रहा है, जिसके साथ जो है बहुत सारे लोग जो हैं इसको शायद अच्छा समझते हैं, अच्छा भी है, लेकिन शैतान इसे किस तरह इस्तेमाल कर रहा है मैं वो बताना चाहता हूँ। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसके अंदर हर शख्स का डाटा होगा। चिप्स जब आपके अंदर इम्प्लांट की जाएंगी तो वो चिप्स जो हैं, जो बायोचिप्स जो होती हैं, RFID हो या किसी और किस्म की बायोचिप्स जो हों, वो जब आपके दाएं हाथ पर जब वो कर दी जाएंगी तो आप जो हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। आप जहां मर्ज़ी चल जाएं वो आपको ट्रैक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आप कहां पर मौजूद हैं। मार्क ऑफ़ द बीस्ट बहुत जल्द आने वाली है। मैं इतना जानता हूं कि मार्क ऑफ़ द बीस्ट जो है अभी दुनिया में उसे इम्प्लांट तो नहीं किया जा रहा, पर उसकी प्रेपरेशन की जा रही है। जो अलीट है, जो अलुमिनाटी है, फ्रीमेसंस हैं, इस तरह के बीस्ट हैवान का सारा स्ट्रक्चर है, जो शैतान की बादशाहत के सारे लोग हैं, ये पोलिटिकल और रिलीजियसली लोग जो हैं मिलकर इस स्टेज को सेट कर रहे हैं।
اور آپ کو ان سے بچ کر رہنا ہوگا۔ اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرتے رہیں، خدا کا پہلو ہرگز نہ چھوڑیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، کیونکہ وہی آپ کو بچا سکتا ہے، وہی نجات دہندہ ہے، اور خدا پر یقین رکھیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کو بچا سکتا ہے، اور خدا کی ذات ہی آپ کو ان کے کارناموں سے بچا سکتی ہے، اور آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ اگر ان کو چوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذاتی مرضی ہے۔ لیکن بایو ٹیکنالوجی کے اس طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو شیطان کی طرف لے کر جا سکتی ہے، تو تیاری کرتے رہیں، تیاری پکڑیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ آر ایف آئی ڈی نے اس تیاری میں بہت ہی مدد دی ہے، جی پی ایس، بار کوڈز اور اس طرح کے سسٹمز جو ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ شیطان کے لیے اسٹیج سیٹ کر رہی ہے، مخالف مسیح کے لیے اسٹیج سیٹ کر رہی ہے، مین آف دا سن اور سن آف دا پرڈیشن کے لیے اسٹیج سیٹ کر رہی ہے، جو دنیا کے اندر ون ورلڈ آرڈر لے کر آ چکا ہے اور ون ورلڈ آرڈر کو پورے طریقے سے لاگو بھی کرے گا، ون ورلڈ گورنمنٹ اور ون ورلڈ ریلیجن کو قائم کرے گا، جو شیطان کی بادشاہت ہوگی۔ خدا کے خلاف جا کر شیطان کو پوجنا ہوگا، آپ کو ہی چوز کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا ضرور، اور سچائی کو جانتے رہیں اور سچائی کو پھیلاتے رہیں، کیونکہ سچائی ہی آپ کو آزاد کرا سکتی ہے۔ خدا حافظ۔